देखिए, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की नियत के ऊपर आक्षेप करना या उसको करना, वो सार्वजनिक मंच से कहना नहीं, मैं इससे बचना चाहता हूं और वो श्रेयस्कर है, सर्वोच्च न्याय प्रक्रिया की, न्याय प्रणाली की संस्था है। मोटी बात यह है कि इतने आनंद फानन में चार व्यक्तियों का, अगर आप किसी काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए इतने ऊंचे स्थान के लिए चयन करते हैं, तो उसका एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी क्वालिफिकेशंस होती है। जो लोग इन 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 तथाकथित सुधारों के खुले रूप से वकील रहे, उनकी आप समिति बना दें, तो मेरा सिर्फ इतना आक्षेप है कि उससे किसान वर्ग में जो विश्वास समाप्त हुआ था, उनका विश्वास की कमी आई थी, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था, उसको दोबारा से पैदा नहीं, चार की जगह आठ सदस्य हो जाएं, चार सदस्य और जोड़ लिए जाएं, क्या उस ओर रास्ता निकल सकता है? मैं समाधान की बात कर रहा हूं। संदीप जी एक मिनट सुनिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उसी समय चार आदमी घोषित कर दिए बगैर किसी चर्चा के, बिना चर्चा के कानून लागू किए, उसी से तो अविश्वास पैदा हुआ, बिना ही चर्चा के चार आदमी जिनका सारा दुनिया जानती है इनकी क्या स्थिति है। और अगर व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता आपसे, मैं अलग से इन समिति के सदस्यों को मेरे सामने बुला लीजिए, मैं बता दूंगा कि ये किसके वकील हैं, मेरे पास फर्स्ट हैंड एविडेंस है, मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता, चुनौती देता हूं आपको, मेरे सामने बुला दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये किसकी वकालत कर रहे हैं।